electronic smoking devices are also not Chicago permitted. Se hum smoking in the toilet will activate Doha a smoke alarm. The smoking on board the aircraft and tampering with the smoke light detectors are criminal offences punishable तो by law. अब Qatar Airline के जरिए ही हम शिकागो से दोहा आए थे और Qatar Airline के दूसरे जहाज के जरिए हम दोहा से लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये दोहा एयरपोर्ट का नज़ारा है और जहाज ने भी जो है दौड़ना शुरू कर दिया है, जब से दौड़ रहा है और चंद ही लम्हे के बाद ये ज़मीन से उठ जाएगा। काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है मेन रनवे बेस की दौड़ जो है वो जारी है और अभी ये कुछ सेकंड के बाद ये ऊपर उठ जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको दोहा शहर की लाइट्स भी दिखाएंगे। अभी तक हमें एयरपोर्ट की लाइट्स जो है वो नज़र आ रही हैं, काफ़ी भली और खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए ये लाइट्स और ये जहाज ऊपर उठ गया है, ये ऊपर उठ गया है और हम ज़रा पार तोते की सेहत में बैठे हुए हैं, इसलिए ये सही देखे ये लाइटें आप दोहा शहर की देखेंगे। तो अभी दोपहर ये एयरपोर्ट की लाइट्स हैं और साथ ही जो है ये दोहा शहर भी रोशनियों में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ज़रा ये हम शहर के ऊपर से अब गुजर रहे हैं। ये थोड़ा पर रुकावट में पड़ रहा है वीडियो बनाने में, तो ये लाइट्स आप देखें ज़रा पार के ऊपर से आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत है। ये सामने भी एक जहाज जा रहा है, ये चक चक करता हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो ये भी एक जहाज है। ये देखें ये दोहा शहर की लाइट्स बड़ा खूबसूरत जो है। जहाज़ दोहा से लाहौर की तरफ रवा दवा है, ये यूनाइटेड अरब इमारात के पास से जो है अब ये गुजर रहा है और इसका सीधा लाहौर की तरफ है। जहाज खलीजी रियासतों के पास से गुज़रता हुआ लाहौर की तरफ जो है लाहौर की तरफ रवा दवा है। ये शारजा में पॉइंट आउट कर रहा है, इस तरह ये खलीजी रियासतें जो हैं उनके ऊपर से होता हुआ ये पाकिस्तान की तरफ रवा दवा है। वीडियो में हमें लाहौर भी नज़र आ रहा है और ये यहाँ से उड़ा था दोहा वो भी हमें जो है नज़र आ रहा है। जहाज़ खलीजी रियासतों के ऊपर से प्रवास करके बहरे हिंद में दाखिल होगा। ये बहरे हिंद के ऊपर से उड़कर ये देखें ये अब ये बहरे हिंद की तरफ जा रहा है। ये अभी ये खलीजी रियासतों के ऊपर से जो है ना ये परवान बढ़ रहा है। ये देखें जहाज अब बहरे हिंद में दाखिल हो चुका है और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जहाज का सफ़र बहरे हिंद में जारी और सारी है। जहाज समंदर में चाबहार के करीब से गुजर रहा है, ये ऊपर हमें नज़र आ रहा है लिखा हुआ भी चाबहार, तो ये चाबहार के करीब से जो है गुजर रहा है। जहाज ने तकरीबन आधा सफ़र जो है तय कर लिया है और बड़ी तेज़ी के साथ अपनी लाहौर की तरफ रवा दवा है। जहाज़ ग्वादर के करीब पहुंचने वाला है, ये देखें सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है ग्वादर, तो ये ग्वादर के करीब अब पहुंचने वाला है जहाज़। और फिर ये खुशी में थोड़ा
ऐलान करने शुरू कर देगा और बलूचिस्तान से होता हुआ पंजाब में एंटर होगा। जहाज बलूचिस्तान के सिमलाक इलाके के ऊपर से गुजर रहा है। इस वक्त जहाज तुरबत के करीब से गुजरता हुआ लाहौर की तरफ रवाना है। इसकी मंजिल तो लाहौर ही है लेकिन ये बलूचिस्तान के ज़िला तुरबत के करीब से इस वक्त गुजर रहा है। जहाज बलूचिस्तान के संगलात और मुश्किल तरीन रास्तों के ऊपर से गुजरता हुआ अपनी मंजिल लाहौर की तरफ रवा दवा है। जहाज़ अब बलूचिस्तान से सरज़मीन सिंध में दाखिल हो चुका है और ये वाया लाड़काना लाहौर की तरफ जाएगा। जैसे ही जहाज़ जो है बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल हुआ तो हर तरफ आपको देखे हरियाली हरियाली जो है वो नज़र आ रही है। और जब जहाज़ बलूचिस्तान पर उड़ रहा था तो हर तरफ संगलाख चुटाने और कोई सब्ज़ा वगैरह हमें बलूचिस्तान में नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही जहाज़ ने अपना रुख सिंध की तरफ किया है तो हर तरफ हमें यहाँ देखें सब्ज़ा ही नज़र आ रहा है। जहाज़ इस वक्त पंजाब में जो प्रवास कर रहा है और ये सारी ग्रीनरी जो है पंजाब जो है बहुत ही करीब। जहाज़ इस वक्त ओकाड़ा के करीब से गुजर रहा है और 15-20 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह लाहौर में लैंड कर जाएगा। ये जहाज़ जो है ये देखिए लैंड कर गया है। अब बस आस्ता आस्ता जब लैंड करता है तो एक धक्का सा लगता है। ये मौसम साफ नहीं है इसलिए हम लाहौर की बत्तियां तो नहीं देख सके लेकिन ये जहाज़ जो है लैंड कर गया है। ये एयरपोर्ट की लाइटें हमें थोड़ा नज़र आ रही हैं। इतनी ज़्यादा धुंध तो नहीं है लेकिन ऊपर से जो है शहर हमें साफ नज़र नहीं आया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक